डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि पता है अभी हम लोग साइंस वाले सब्जेक्ट में जो पढ़ रहे थे वो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर में हम लोग जो ने अभी पढ़ रहा था पूरा तरीके से उस चैप्टर को जरूर पढ़ लिया है, लेकिन उसके पीछे का जो अभ्यास का क्वेश्चन है वो अभी हम लोगों का बचा हुआ है। उसमें भी हम लोग 11 नंबर तक के क्वेश्चंस को किए हैं, तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि हम पहले क्वेश्चंस को बोलते हैं फिर उसके आंसर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन लिखा जाए। कुछ इस तरीके का सवाल है, क्वेश्चन लिखा जाए 12 नंबर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल समझाते हैं। सवाल कंप्लीट हो गया, अब सवाल में बोल क्या रहा है कि सबसे पहले यहां दिया हुआ है कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो हम लोग ने पढ़ा हुआ था कि अगर उत्तल दर्पण रहता है, फिर से इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए हमेशा, कि अगर उत्तल दर्पण में रहेगा तो इसमें U सिर्फ माइनस में होता है और बाकी U को छोड़कर बाकी जो होता है वो पॉजिटिव में होता है। लेकिन अगर अवतल का बात करें, अवतल दर्पण का, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े कि सभी चीज सब जो है माइनस में होता है, सभी चीजें किस में होता है, माइनस U V F, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि दिया हुआ है, यहां दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है। सबसे पहले लिखेंगे कि ये उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में हमें कितना बोल रहा है सवाल, तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी एफ का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, प्लस में कि माइनस में, तो हम क्या बोले कि उत्तल में खाली यू होता है माइनस, बाकी सिर्फ प्लस होता है। तो उत्तल दर्पण है, यहां फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर बोला, तो 15 प्लस में लिख दिए, प्लस आप लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है सवाल में, उत्तल दर्पण से कोई बिंब जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बिंब मतलब वस्तु कहां रखा गया है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि यू का मान माइनस में 10 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि प्रतिबिंब का स्थिति और प्रकृति बताइए, यानी कि भी का मान निकालना है। आप सबसे पहले किससे चलेंगे, यानी कि दर्पण सूत्र से चलेंगे कि लेंस सूत्र से चलेंगे या किससे चलेंगे, कुछ तो आइडिया लग रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे जो सवाल है वो हम लोगों को उत्तल दर्पण दिया है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि दर्पण सूत्र लगाएंगे, यानी कि अब चलिएगा यहां अब दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र हम क्यों लगा रहे हैं दोस्त, क्योंकि यहाँ पे उत्तल दर्पण है, अगर उत्तल लेंस होता तब यहाँ पे लेंस सूत्र से चलते। और आपको पता होगा ना कि दर्पण सूत्र क्या है, तो दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v का 1/v छोड़ देंगे, प्लस 1/u का वैल्यू -10, 1/f का जगह पे 1/15। आप इससे चलते चलते भी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है।
जब भी का वैल्यू निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, तो आपका जो सही आंसर आएगा वो भी बराबर प्लस में 6 सेंटीमीटर आएगा। देखिए भी का मान जब आप चलिएगा तो किसमें आएगा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में आएगा। तो हमको बोला गया कि प्रतिबिंब का स्थिति और प्रकृति बताइए, तो प्रकृति इसका कैसा होगा, क्योंकि भी का मान प्लस में है तो दर्पण के दाईं ओर बनेगा, और दर्पण के जब दाईं ओर बनता है तो आभासी और सीधा बनेगा। तो यहां पे जब आप चलिएगा भी का वैल्यू निकालिएगा तो राइट आंसर कितना आना चाहिए, प्लस 6 सेंटीमीटर। तो हम भी का वैल्यू आंसर इसलिए बता रहे ताकि जब आप इन चीजों को बनाएंगे तो उतना आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इन चीजों को बनाकर ही भी बराबर 6 लाइएगा, क्योंकि हम पहले इन चीजों को क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम नहीं कर रहे हैं, आप खुद से हल कीजिएगा और कितना लाइएगा, 6 सेंटीमीटर। जब प्लस में 6 आ जाएगा तो उसका प्रकृति कैसा लिखेगा, उसके नीचे लिख दीजिएगा अतः प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा, 6 सेंटीमीटर पर बनेगा, तथा आभासी और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा। ये चीजें उसके नीचे लिख देंगे, क्योंकि हमें बोला जा रहा था कि इसका स्थिति, स्थिति का मतलब कहां बनेगा, तो 6 सेंटीमीटर बनेगा। किधर भाई, तो दाई और, ये सब अपने भाषा में भी लिखा जा सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा दाई और, ठीक है, यानी कि हम लोग राइट साइड, क्यों, क्योंकि हम लोगों का प्लस में आया है, ठीक है, इसलिए आभासी और सीधा होगा, क्योंकि जब भी दाई और बनता है, ठीक है, तो उसको आभासी और सीधा बोला जाता है। जब प्रतिबिंब माइनस में आता तो बाई ओर बनता, क्योंकि दर्पण से बाई ओर की जो दूरियां होती है वो माइनस होती है। तो कुछ नहीं, बस आप भी का वैल्यू निकालिएगा, ये वाला आंसर जरूर मैच कीजिएगा, मैच करने के बाद ये जो लिखे हैं उसको नीचे लिख देना है, ये प्रकृति हो गया और स्थिति हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। अब लिखा जाए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो 13 नंबर क्वेश्चन लिखा जाए, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिख रहा है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। उत्पन्न आवर्धन बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, उत्पन्न आवर्धन +1 है, +1 है, पूर्ण विराम, इसका क्या अर्थ है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब 13 का उत्तर लिखेंगे, 13 का आंसर फिर समझाएंगे हम अभी। जस्ट लिखा जाए इसका उत्तर, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, पूर्ण विराम, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब का आकार कौमा वस्तु के आकार के समान है, अतः प्लस चिन्ह ऐसे लिखेगा, प्लस चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि, तथा प्लस चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि प्रतिबिंब
प्रतिबिंब प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है या आभासी तथा सीधा है, कुछ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं आभासी के साथ सीधा होता है और वास्तविक के साथ उल्टा होता है, तो सीधा तथा आभासी है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था। तो क्वेश्चन ये बोल रहा था कि एक समतल दर्पण है, और समतल दर्पण का तो मतलब जानते हैं, टोटल दर्पण कितने प्रकार की होती है, तीन, समतल, उत्तल और अवतल। तो समतल दर्पण के बारे में जानते हैं कि वो जितना दूरी पर आप वस्तु रखेंगे उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के आकार के समान बनता है, हमेशा कहीं भी रख लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो सवाल हमें ये बोल रहा था कि कोई समतल दर्पण है उसका जो आवर्धन है ना, आवर्धन वो प्लस एक है, आवर्धन कितना है प्लस वन। तो इस बात से क्या पता चलता है, इससे क्या स्पष्ट है, ये क्या हमें बतलाता है, ठीक है। तो प्लस वन कब होगा, सबसे पहला बात कि प्लस का मतलब क्या होगा, प्लस का तो मतलब यह होता है कि वस्तु दाई ओर, जो प्रतिबिंब है वो दाई ओर बनेगा, क्योंकि कोई भी दर्पण रहे, जैसे मान लिया ये समतल दर्पण है, क्योंकि समतल दर्पण सीधा होता है, अब ये इसकी दाएं तरफ की दूरियां प्लस, बाएं तरफ की दूरियां माइनस, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो अगर प्लस चिन्ह का मतलब यहां लिखना चाहे तो प्लस चिन्ह क्या दर्शाता है कि आभासी और सीधा है, यानी कि दाई ओर है। अच्छा, अब वन का मतलब क्या है, तो सवाल बोल रहा था कि प्लस वन का मतलब क्या है। तो हम ये तो जानते हैं ना कि अर्थात आवर्धन इज इक्वल टू, आवर्धन को पता है ना एम से सूचित करते हैं, हम लोग क्या जानते हैं प्रतिबिंब का ऊंचाई यानी कि एच डैश वस्तु का ऊंचाई बटा एच के इक्वल होता है। तो आप बताइए कि एम का वैल्यू प्लस वन दिया है सवाल में, तो एम का जगह पे आप कितना रख देंगे प्लस वन, तो एम का जगह पे प्लस वन रखेंगे तो यहां हो जाएगा एच डैश बटा एच। हम लोग जानते हैं ना कि वन को वन बटा वन भी लिख सकते हैं, तो यहां से पता चल रहा है कि एच बराबर क्या एच डैश, तिरछा तिरछा गुणा कर दिए। यही वाला बात को हम लोग लैंग्वेज में लिखे हैं कि एक समतल दर्पण द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन है वो प्लस वन है, इसका अर्थ इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिबिंब का ऊंचाई एच डैश क्या है, तो एच डैश प्रतिबिंब का ऊंचाई है या आकार है या आकृति है, प्रतिबिंब का ऊंचाई या आकार साइज, ठीक है। और ये एच क्या है वस्तु यानी कि बिंब की आकार। तो याद रखिएगा अगर कहीं सवाल आएगा कि आवर्धन प्लस वन है इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है, तो आप बोलेगा कि इसका अर्थ यही है कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों क्या होगा समान होगा बराबर होगा, क्योंकि फार्मूला होता है एम बराबर एच डैश बटा एच, एम के जगह पे वन दिया हुआ था सवाल में तो ये इक्वल होगा। तो अर्थार्थ के नीचे जो हम यहां से लिखे हुए हैं इस, अब ये सब नहीं लिखना, हाँ अब लिख सकते हैं, अर्थार्थ के नीचे जो चीजें लिखे हुए हैं यहाँ पर वो सब उसी उत्तर के नीचे आप ऐड कर लीजिएगा इतना, ठीक है, ताकि ये पता चल जाएगा, प्रूफ कर दिए यहाँ पे कि प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। चलिए ये चीज नोट करने के बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 13 तक कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। तो 14 नंबर सवाल लिखा जाए, हम बोल रहे हैं क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, पहले लिखेंगे फिर हम लोग समझेंगे। लिखा जाए 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब तीस सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने
किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, प्रतिबिंब की, पूर्ण विराम के बाद लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति कौमा प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। साइज मतलब आकार, साइज ज्ञात कीजिए। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़े हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में। जरा समझेंगे कि 14 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। तो 14 नंबर सवाल ये बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबा का एक कोई वस्तु है। तो जब कभी भी अगर हम लोग वस्तु का आकार के बात में करते हैं तो उसको एच से सूचित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप 14 नंबर सवाल में सबसे पहले यहां पे ये देखिएगा कि कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण, क्योंकि प्लस माइनस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आपको पता चलेगा यहां दिया है कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब उत्तल दर्पण दिया है, ठीक है। अब इस उत्तल दर्पण के बारे में क्या बोला सवाल कि 5 सेंटीमीटर इसका लंबाई है, किसका, वस्तु का, कोई बिंब माने वस्तु। तो हमें यहां पे दिया है क्या क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु है, तो एच बराबर दे दिया 5 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या बोला, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को पता है ना, आर से सूचित करते हैं, और वक्रता त्रिज्या कुछ ही है तो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या को प्लस में ले कि माइनस में, तो अभी हम लोग पढ़े कि उत्तल दर्पण में जो होता है ना खाली U का वैल्यू माइनस होता है, U का वैल्यू सिर्फ माइनस होता है, बाकी सब प्लस होता है। यहाँ पे देख पा रहे गलती से लिखा गया 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसका वक्रता त्रिज्या कितना दे दिया 30 सेंटीमीटर। जरा हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में सीखते हैं कि उत्तल दर्पण में सिर्फ U होता है माइनस में, बाकी सभी चीजें प्लस में होती है। तो U के छोड़कर बाकी सबको क्या कर देना होता है, प्लस, क्योंकि उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण में हम लोगों ने सीखा कि U सिर्फ माइनस में होता है और बाकी सभी चीजें प्लस में होता है। तो H का वैल्यू हो गया और R का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब उसके बाद और क्या क्या सवाल में दिया है तो जरा देखते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबाई का 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दूरी पर रखा गया। अच्छा, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहा है क्या, वस्तु ना, उत्तल दर्पण के सामने। तो प्रतिबिंब का स्थिति प्रकृति और साइज बताना है, यानी बोल रहा है कि कितना दूरी पर वस्तु है। तो वस्तु के बारे में बोला 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 20 सेंटीमीटर कर देंगे, ठीक है। यानी कि अगर बात किया जाए कि यहां उत्तल दर्पण है और इस उत्तल दर्पण में h यानी कि वस्तु की ऊंचाई दिया है, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और u का वैल्यू दे दिया माइनस 20। माइनस क्यों, क्योंकि u हमेशा माइनस होता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, ठीक है। अब यहां के बाद आपको क्या करना है, सवाल क्या बोला कि प्रतिबिंब का तीन चीज निकालिए, एक स्थिति, एक प्रकृति और एक साइज। यानी कि स्थिति का मतलब क्या कि वो कहां बनेगा, कितना दूरी पर बनेगा, तो v का वैल्यू निकालना है, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब का प्रकृति निकालना है, प्रकृति का मतलब आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा कि क्या बनेगा। तो यहां पे हमें प्रकृति और दूसरा बात कि उसका साइज, ठीक है। तो साइज का मतलब क्या, प्रतिबिंब का साइज यानी कि आकार, एच डैस, ठीक है। तो यहां पे भी का मान और एच डैस का मान हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहां पे हमको कैसे कैसे करके क्या निकालना है, तो कुछ भी करके आपको वी निकालना है, एच डैस निकालना है। अब भी का मान देखिए, भी का मान अगर आपको प्लस में आएगा तो लिख दीजिएगा आभासी,
और सीधा, ठीक है। और भी का मान अगर माइनस में आता है तो वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है, ये दोनों चीजें, ठीक है। भी का मान प्लस में तो आभासी और सीधा, और भी का मान अगर माइनस में तो वास्तविक और उल्टा, ठीक है। लेकिन अब ये भी निकलेगा कैसे भाई? तो भी का हम लोग दर्पण सूत्र से ही चलेंगे, क्योंकि ये उत्तल दर्पण दिया हुआ है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। तो यहां पे भी का तो वैल्यू निकालना है, लेकिन u का वैल्यू दिया है, f तो दिया नहीं है। तो आप यहां से एक चीज निकालिए, चूंकि r का वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर है ना, सॉरी बार बार लिखा जा रहा है 30 सेंटीमीटर। और r का फॉर्मूला पता है ना, r बराबर 2f होता है, तो ये r के जगह पे 2f 30, इसलिए f का वैल्यू 30/2। तो यहां हो जाएगा प्लस में 15, यानी कि f का भी वैल्यू हो गया 15, u का वैल्यू हो गया। तो अब किससे चलिएगा? दर्पण सूत्र से चलना है। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो 1/v + 1/u = 1/f। इससे चलते चलते देखिए, u के मान रखिएगा -20, f का मान रखिएगा प्लस में 15, और यहां से आप भी निकाल लीजिएगा, भी का मान निकालना है। और जो राइट आंसर आएगा, भी का मान निकलकर वो प्लस में 8.57 आएगा, 8.57। देख लीजिएगा, आपको खुद से इसका सॉल्यूशन करना है, मान रखना है, और उस भी के जगह पे कितना आएगा, 8.57, राइट। अब 8.57 आ गया, तो अब उसके नीचे क्या लिखना है? उसके नीचे, क्योंकि मेरे पास खाली जगह नहीं है, तो उसके नीचे आप लिखिएगा, अतः प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा? 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और उसका प्रकृति पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? आभासी की सीधा या वास्तविक की उल्टा? तो भी का मान कुछ ही में आएगा, प्लस में आएगा। जब आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो डिवाइड करने पर, यानी कि पॉइंट में आएगा 8.57, तो प्लस में आ रहा है। तथा आभासी और सीधा बनेगा, ये हो गया प्रकृति, ठीक है। स्थिति के बारे में और प्रकृति के बारे में तो लिख लिया, इसमें तो तीन सवाल बोल रहा था कि प्रतिबिंब का ही तीन चीज बताइए, एक स्थिति, तो स्थिति पता चल गया कि 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5-7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और प्रकृति पूछा जा रहा था, यानी कि वास्तविक उल्टा कि आभासी सीधा। तो आभासी सीधा क्यों? क्योंकि भी का मान प्लस में आया है, और भी का मान प्लस में आया है क्योंकि वो दर्पण के राइट साइड बनेगा, दाहिने साइड, और दाहिने साइड का मतलब कि आभासी और सीधा होता है, ठीक है। अच्छा, तो दो चीज निकल गया, अभी भी एक चीज हमें बाकी है, वो क्या? एच डैश। तो एच डैश के लिए फिर से उसके नीचे आपको काम करना पड़ेगा। कौन सा काम करना पड़ेगा? हम मिटा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिटा देना है, आप इन चीजों को लिखकर एक के नीचे एक लिखते चले जाना है। मेरे पास जगह नहीं है, तो कभी इधर तो कभी इधर लिखते चलते हैं। तो चलिए, अब उसके बाद लिखेंगे पुनः आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है। आवर्धन का देखिए दो फॉर्मूला होता है, एक दर्पण के लिए, एक लेंस के लिए, ठीक है। तो दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है? -v/u, ठीक है, -v/u। अब आवर्धन का एक और फॉर्मूला होता है, पता है, h/h। एच डैश का माने प्रतिबिंब का साइज, वस्तु का साइज, बराबर है माइनस भी का, तो वैल्यू आया है ना, ये फॉर्मूला में तो माइनस होता है। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि दर्पण था इसलिए -v/u लिखे हैं, अगर ये लेंस होता तो सिर्फ v/u लिखते, ठीक है, सिर्फ क्या लिखते? v/u। तो यहां पे माइनस, और भी का वैल्यू 8.57, यू का मान -20, माइनस से माइनस कट जाएगा, एच डैश का तो मान निकालना है, तो एच डैश का एच डैश बटा में एच, 8.57/20, एच का मान कितना दिया है सवाल में? 5। तो आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना करके एच डैश का मान निकाल लीजिएगा,
और एच डैश का मान आपको हम आंसर बता देते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो लगभग 2.1 आएगा प्लस में, एच डैश का जो वैल्यू आएगा प्लस में 2.1 आएगा, तो यही उसका साइज हो जाएगा प्रतिबिंब का। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले 15 क्वेश्चन लिख लिया जाए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15, ये 14 था। आप जो सॉल्यूशन कीजिएगा जरूर आंसर मिला लीजिएगा, इसीलिए हम आपको आंसर भी बता दिए हैं, आप जरूर से जरूर इन क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा जाए, 7 सेंटीमीटर साइज का, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने सताइस सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, पूर्ण विराम, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि उस पर वस्तु का अस्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। पूर्ण विराम, प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात करें, चले तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोला कि कौन सा दर्पण है, तो हमको पता चला 17 नंबर सवाल में कि यहां हमें जो दिया है वो अवतल दर्पण दिया है। कौन सा दर्पण दिया? अवतल दर्पण। ठीक है, तो जब अवतल दर्पण दिया तो फिर क्या बोला, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, बिंब माने वस्तु, तो वस्तु का जो साइज है वो कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, कितना दिया है वो 7 सेंटीमीटर। तो जो वस्तु का साइज है वो 7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि वस्तु का साइज को किससे सूचित करते हैं, तो वस्तु के साइज को यानी कि h का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब साइज जो होगा तो हम लोग मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं ना, तो मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं तो जो h का वैल्यू होगा वो प्लस में 7 होगा। फिर क्या बोल रहा है, अब आपको ऐसा नहीं समझना कि सर आप तो बोले थे कि अवतल दर्पण में सब माइनस होता है, तो सब माइनस का मतलब हम बात
यू भी एफ का किए थे, ठीक है, यू भी एफ आर का किए थे, वक्रता त्रिज्या का किए थे, ऊंचाई का नहीं किए थे, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। अवतल दर्पण में सब माइनस होता है, हम अभी भी बोल रहे हैं, लेकिन किसके किसके लिए, तो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए, कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो अब फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो एफ का वैल्यू कौन ची, तो 18 सेंटीमीटर कौन ची में, तो अवतल दर्पण माइनस लगा देंगे। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आगे पढ़े तो रखा गया है, अच्छा ये हो गया 18 सेंटीमीटर, किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। देखिए एक अवतल दर्पण है, उससे 27 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, तो वस्तु को मतलब u, u का वैल्यू हो गया माइनस 27 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहा है सवाल, आगे बोल रहा है कि कितनी दूरी पर रखा जाए, कि पर्दे को कितने दूरी पर पर्दे को रखें कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। सुनिए, और प्रतिबिंब का क्या निकालने के लिए बोल रहा है, साइज तथा प्रकृति, बहुत बढ़िया। तो हमें जो बोल रहा है कि भी का वैल्यू निकालो, प्रतिबिंब का वैल्यू निकालो, और इसका प्रकृति निकालो, प्रकृति का मतलब प्रकृति भी बताना है, प्रतिबिंब का स्थिति माने भी का मान कितना दूरी पर बनेगा, प्रकृति का मतलब आभासी बनेगा कि वास्तविक उल्टा बनेगा, वो तो भी का मान देखकर पता करेंगे कि भी का मान प्लस में आता है कि माइनस में आता है, और प्रकृति निकाल लेंगे। उसके बाद हमें प्रतिबिंब का साइज निकालना है, माने कि आकार, तो प्रतिबिंब के आकार को एच डैश से सूचित करते हैं। तो सबसे पहले आप किसका यूज करके निकालेंगे, तो यहां पे तो दर्पण है, तो आप उसके नीचे लिखिएगा क्या, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v तो v के जगह पे छोड़ देना है वैसे ही, प्लस 1/u के जगह पे माइनस 27 बराबर 1/f, f के जगह पे माइनस 18, ठीक है। तो 1/v ये तो माइनस में हो गया ना 1/27, उधर जाएगा तो माइनस में 1/18 रहेगा, ये तो ऑलरेडी माइनस में है, ये वाला जब उधर जाएगा तो प्लस में 1/27 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों का यहां से जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो इस यहां से हम लोगों को किसका वैल्यू निकल जाएगा, भी का वैल्यू, तो आप पाएंगे कि भी का जो वैल्यू आएगा हम लोगों को वो आपको निकालना है भी का वैल्यू, और निकालेंगे आप तो भी का मान जो है माइनस में 54 सेंटीमीटर आएगा, ध्यान दीजिएगा, भी का वैल्यू किसमें, माइनस में 54 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब ये हुआ, भी का तो मतलब हो गया कि माइनस में 54, अब माइनस क्या बता रहा है कि वस्तु से बाईं ओर की वस्तु से दाईं ओर, सॉरी दर्पण से बाईं ओर की दर्पण से दाईं ओर, तो दर्पण से बाईं ओर क्यों, क्योंकि दर्पण से बाईं ओर की दूरियां माइनस होती है और दर्पण से दाईं ओर की दूरियां किसमें होती है, प्लस में होती है, तो यहां पे तो भी का वैल्यू आपको कितना आएगा, माइनस में 54 आएगा। तो माइनस ये बतलाता है कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा, दर्पण से बाईं तरफ होगा, तो आप यहां पे लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के बाईं ओर बनेगा, दर्पण के बाईं ओर बनेगा। ये सब देखिए अपना लैंग्वेज है, आप कुछ भी इसमें बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, दर्पण की ओर बाईं ओर बनेगा, उसमें हम बाईं नहीं लिखे थे, बाएं दाएं नहीं लिखे थे, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या लिख सकते हैं, बस अब वही चीज लिखना है जो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस, तो यानी ये प्रतिबिंब दर्पण से कितना सेंटीमीटर पर, तो 54, किधर, तो दर्पण के बाईं ओर, क्योंकि माइनस आया, तथा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जब माइनस में आता है तो वास्तविक तथा उल्टा, और जब ये प्लस में आता है तो इसका प्रकृति कैसा होगा, आभासी तथा सीधा, तो यहां तो माइनस में आया, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है, ये चीजें लिख देंगे।
अब इन चीजों को करने के बाद अभी हम लोग भी का वैल्यू निकाल लिए, प्रकृति भी लिख दिए, लेकिन अब एच डैश का मान कैसे निकालेंगे? तो एच डैश का मतलब किसका? तो प्रतिबिंब का ऊंचाई। तो फिर से लिखिएगा पुनः पुनः आवर्धन m इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, क्योंकि दर्पण है ना, दर्पण में y के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, माइनस v बटा में u। और एक और आवर्धन का मतलब आवर्धन का ही एक और फार्मूला है कि प्रतिबिंब का ऊंचाई या साइज बटा वस्तु का साइज, मतलब h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा में u। अब सबका मान रख दीजिएगा यहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एच डैश का वैल्यू निकालना है तो एच डैश का एच डैश छोड़ देंगे, एच का वैल्यू तो 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ था तो 7 रख देंगे, माइनस में भी का वैल्यू कितना आया भाई, तो भी का वैल्यू -54 आया, ये तो फार्मूला में माइनस है और फिर से -54 रख देंगे, और बट्टा यू तो यू का -27। आप देख पा रहे होंगे कि इसको जब सॉल्यूशन करके आप एच डैश का मान निकालेंगे तो एच डैश का वैल्यू आएगा माइनस में 14 सेंटीमीटर, देख लीजिएगा ध्यान से, और वही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो बीच बीच में हम आपको सिर्फ बतला दे रहे हैं, सिर्फ समझा दे रहे हैं चीजों को, अब आपको खुद से उसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा जाए क्वेश्चन नंबर 16, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है -2 डी का मतलब हम समझा चुके हैं कि लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। डायोप्टर को हम लोग कैपिटल डी से सूचित करते हैं, तो यहां पे जो क्षमता दिया हुआ है वो -2 डायोप्टर पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 डायोप्टर। तो फिर से मिलेगा क्वेश्चन को, जरा एक बार फिर से बोल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, पूर्णविराम, यह किस प्रकार का लेंस है, यह किस प्रकार का लेंस है। चलिए, अब हमें सवाल ये बोल रहा है कि एक कोई लेंस है, अब लेंस के बारे में पता नहीं है, लेंस के बारे में पता नहीं, लेकिन ये पता है कि उस लेंस की जो क्षमता है, वो लेंस की जो क्षमता है वो कितना है, -2 डायोप्टर है, कितना है, -2 डायोप्टर। ठीक है, अब लेंस की क्षमता जब -2 डायोप्टर है तो हमें निकालना है कि उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, उसका एफ का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहां से देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि सबसे पहले क्या बोल रहा है, दिया है क्या क्या दिया है, सबसे बोला कि उस लेंस का फोकस निकालो यानी कि एफ निकालो, जबकि लेंस का क्षमता दिया, तो लेंस का क्षमता को हम लोग पी से दिखाते हैं, तो -2 डायोप्टर। ठीक है, अब यहां पे एक और फार्मूला होता है हम लोग का, लेंस का क्षमता का फार्मूला क्या होता है, 1/f, पी के जगह पे रख दिया 1/a, क्योंकि पी का ही फार्मूला होता है लेंस का क्षमता का, 1/f बराबर में कितना, -2। अब हम लोग -2 को 1 भी तो लिख सकते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 को 1 से 1 बराबर -2 को f से, तो -2f, इसलिए f का जो वैल्यू होगा -1/2 या फिर 1/-2 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए f का जो वैल्यू आएगा वो माइनस में 0.5 आ जाएगा। ये क्या आएगा, तो जी हाँ आपको पता है मीटर आएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग वहां पढ़े थे कि एफ का जो भी कुछ वैल्यू रखा जाता है वो किस में रखा जाता है, मीटर में रखा जाता है।
तो ये हो गया मीटर में। या फिर अगर इसी को सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 0.5 को 100 से गुणा करेंगे तब ये हो जाएगा माइनस में 50 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे दो दो को आंसर कर सकते हैं, आप या तो मीटर लिखिए नहीं तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करके लिखिए। तो फोकस कितना होगा भाई, तो उस लेंस का फोकस माइनस 50 सेंटीमीटर होगा। अब ये बोल रहे कि यह किस प्रकार का लेंस है, तो हम जानते हैं ना कि अगर उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होता है तो U खाली माइनस में होता है और बाकी चीजें सभी चीजें प्लस में होता है, लेकिन यहां पे तो माइनस है। जब यहां पे माइनस है तो हम ये बोल देंगे कि चूंकि चूंकि F का मान ऋणात्मक है इसलिए यह अवतल लेंस है। यानी अंत में पूछ रहा था कि यह कौन सा लेंस है, तो हम लोग F के मान को देखकर बताएंगे, क्योंकि हम लोग तो पढ़े हैं भाई कि अगर अवतल लेंस रहता है तो उसमें सबका मान माइनस होता है। अगर अवतल रहता है तो U भी माइनस, V भी माइनस, F भी माइनस, R भी माइनस। लेकिन अगर उत्तल होता तो U खाली माइनस में होता, U खाली माइनस, V प्लस, F प्लस, R प्लस। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे चीजों को कि अभी हम लोगों का F का वैल्यू आया, फोकस वो माइनस में आया, तो फोकस माइनस में आया इसका मतलब कौन सा लेंस, अवतल लेंस। तो पूछ रहा था कि यह कौन सा लेंस है, तो इसमें हम लोग बोल देंगे अवतल लेंस। चलिए उसके बाद और एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, यानी कि ये प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को भी आज सल्टा ही देते हैं, हम लोग का ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लिखा जाए, लिखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायोप्टर प्लस 1.5 कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायोप्टर कोई डॉक्टर डॉक्टर बोल रहे हैं पहले और बाद में बोल रहे हैं प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, संशोधक लेंस निर्धारित करता है, पूर्ण विराम, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, पूर्ण विराम, क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी, क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे 17 नंबर में सेम सवाल बोला, क्या बोला कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और यह कौन सा लेंस है। तो सवाल में हमें यहां पे दिया है, क्या दिया कि एक डॉक्टर है उस एक व्यक्ति को कितना क्षमता देता है, तो प्लस में 1.5 डायोप्टर। तो यहां से भी हमको क्या निकालना, फोकस दूरी निकालना है। तो पी का फार्मूला कितना पुट किया, 1/F, तो 1.5/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1.5F = 1, इसलिए F = 1/1.5, ठीक है। और जब 1 में 1/5 से अगर डिवाइड करेंगे F का वैल्यू, तो फोकस कितना होगा, तो ये पॉइंट अगर यहां से हटेगा तो ऊपर जाएगा, यानी कि 10/15। अब 10 को देख लेते हैं 15 से डिवाइड करके कि कितना आ रहा है, तो 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 0.6 = 6 जी हाँ, तो आ रहा है कुछ इस तरीके से 0.67, किसमें
6666 आते जाएगा तो हम लोग या 6 ही लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 बटा 15 यानी कि 0.66 कोची में आया प्लस में। तो जब प्लस में आया तो सवाल बोल रहा था कि यह अपसारी है कि अभिसारी है, मतलब हम लोग तो सीखे ना कि अभिसारी को उत्तल लेंस कहते हैं और अपसारी को अवतल लेंस। तो एफ का मान कोची में आया प्लस में, तो यहां पे लिख दीजिएगा चूंकि एफ का मान धनात्मक है अतः यह अभिसारी, अभिसारी को हम लोग ब्रैकेट में लिख दीजिएगा उत्तल लेंस है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये हम लोगों का 17 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, यानी कि आज वो दिन है जो हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन वाला पूरा का चैप्टर अच्छे तरीके से हम लोगों का खत्म हो गया। फिर अगले क्लास में हम लोग एक साइंस के एक नए चैप्टर के साथ जुड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।